Hello friends, welcome back. In this video, we will be learning another important topic in compiler design, which is directed acyclic graphs, commonly known as DAGs. DAG एक बहुत ही important topic होता है compiler design में, and इस topic से usually आपको अपने semester exams में questions मिलते ही मिलते हैं. So इस video में हम समझेंगे कि DAGs क्या होते हैं और इन्हें किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है. सो लेट अस स्टार्ट बाय नोइंग व्हाट आर डैग्स. सो वी हैव इन कंपाइलर डिजाइन अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ और डैग इज एन एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री और एएसटी विद अ यूनिक नोड फॉर ईच वैल्यू. अगर आपको पता हो कि एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री क्या होता है तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ या डैग एग्जैक्टली एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री ही होता है, बट उसमें हर नोड की एक यूनिक वैल्यू होती है, राइट. द सेकेंड डेफिनेशन सेज अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ और डैग इज अ डायरेक्टेड ग्राफ दैट कंटेन्स नो साइकिल्स. जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है और एसाइक्लिक का मतलब है कि उसमें कोई भी साइकिल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं. ये डेफिनेशंस धीरे धीरे अभी आपको क्लियर हो जाएंगी जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. सो जो डैग की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है वो होती है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लोकल ब्लॉक्स में. तो हम देखते हैं. सो नाउ लेट अस लुक एट द यूज ऑफ डैग फॉर ऑप्टिमाइजिंग बेसिक ब्लॉक्स. DAG is a useful data structure for implementing transformations on basic blocks. DAG एक बहुत ही useful data structure है जब हमें basic blocks पर किसी भी तरह के transformations को implement करना हो. A basic block can be optimized by the construction of DAG. जब भी हमें एक basic block को optimize करने के लिए कहा जाएगा तो हम एक DAG construct कर सकते हैं और उसकी हेल्प से हम उस बेसिक ब्लॉक को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. अ डैग कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर अ ब्लॉक एंड सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशंस सच एज कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन एंड डेड कोड एलिमिनेशन कैन बी अप्लाइड फॉर परफॉर्मिंग द लोकल ऑप्टिमाइजेशन. हम क्या करेंगे, हम एक डैग कंस्ट्रक्ट करेंगे उस गिवन बेसिक ब्लॉक के लिए और जो भी कॉमन सब एक्सप्रेशंस होंगे या डेड कोड होगा हम डैग की हेल्प लेके उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं एंड देन उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं उस गिवन बेसिक ब्लॉक को ऑप्टिमाइज करने के लिए. अभी हम इसे एक प्रॉब्लम के थ्रू देख समझेंगे, राइट. देन टू अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन अ बेसिक ब्लॉक अ डैग इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द थ्री एड्रेस स्टेटमेंट. जब हमें ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने होंगे बेसिक ब्लॉक पर तो जो हम डैग कंस्ट्रक्ट करेंगे वो उसके थ्री एड्रेस कोड को लेकर जनरेट करेंगे, राइट. आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा. नाउ आई एम शोइंग यू सम ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ डैग, बट हम इन्हें डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में बिकॉज इनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है. बट मैं इस वीडियो में इन्हें इसीलिए इंक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज ये यूजुअली सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, तो आप इन्हें यहाँ से रेफर कर सकते हैं. सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ डैग एंड दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ डैग. आप इन्हें पढ़ सकते हैं और अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए इन्हें रेफर कर सकते हैं, राइट. नाउ लेट अस लुक एट अवर मेन टॉपिक विच इज How to construct DAG or the construction of DAG in compiler design. But before studying the construction of DAG, let us look at some of the rules which are required for the construction of DAG. सबसे पहले हम कुछ rules देखते हैं जो हम use करेंगे जब हम अपने DAG को construct करेंगे, right? So now we look at the rules for the construction of DAG. ये रूल्स आपको याद रखने की जरूरत है जब भी आप अपने डैग को कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट. सो रूल वन इज इन अ डैग लीफ नोड्स रिप्रेजेंट आइडेंटिफायर्स नेम्स और कॉन्स्टेंट्स एंड इंटीरियर नोड्स रिप्रेजेंट ऑपरेटर्स.
सपोज ये हमारा एक डैग है, सो जो इसमें इंटीरियर नोड्स होंगे जैसे ये वाला और ये वाला जो मैंने आई से रिप्रेजेंट करे हैं, सो ये हमेशा ऑपरेटर्स होंगे, ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड जो लीफ नोड्स होंगे ये वाले जो मैंने एल से रिप्रेजेंट करे हैं, ये आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, नेम्स हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, राइट। सो नाउ लेट अस लुक एट द रूल टू। रूल टू इज व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग डैग देयर इज अ चेक मेड टू फाइंड इफ देयर इज एन एग्जिस्टिंग नोड विद द सेम चिल्ड्रन। अ न्यू नोड इज क्रिएटेड ओनली व्हेन सच अ नोड डज नॉट एग्जिस्ट। दिस एक्शन allows us to detect common sub-expressions and eliminate the recomputation of the same. So, इसका मतलब जब भी हम अपना DAG construct कर रहे होंगे और जब भी हमें एक new node बनाना होगा या introduce करना होगा, तो हम check करेंगे कि क्या वैसा ही node जिसकी value same है जो हमें node अब construct करना है, अगर ऐसा नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे डैग में तो हम उसी एग्जिस्टिंग नोड को यूज़ करेंगे और नया नोड क्रिएट नहीं करेंगे। हम नया नोड तभी क्रिएट करेंगे जब हमारे डैग में ऐसा एग्जैक्टली कोई नोड प्रेजेंट ना हो जिसकी वैल्यू सेम हो, राइट। सो ये अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये, राइट। एंड द रूल थ्री इज The assignment of the form x equals to y must not be performed until and unless it is a must. मतलब जो assignment होंगे इस तरह के वो हमें बिल्कुल भी नहीं perform करने until and unless it is a must. मतलब जब तक हमें ज़रूरत ना हो नया node create करने की तब तक हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, right? अब हम इन्हें प्रॉब्लम्स के थ्रू देखते हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इन रूल्स को, देन हमें इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। सो दिस इज अवर प्रॉब्लम वन। वी हैव बीन सेट टू कंस्ट्रक्ट द डैग फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। हमें ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें इस करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन के लिए डैग कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है। तो इस प्रॉब्लम को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, राइट। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस गिवन एक्सप्रेशन के लिए थ्री एड्रेस कोड को जेनरेट करेंगे, राइट। थ्री एड्रेस कोड को कैसे जेनरेट किया जाता है ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझा हुआ है, सो इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसका थ्री एड्रेस कोड इस गिवन एक्सप्रेशन का, राइट। सो ये मैंने थ्री एड्रेस कोड लिख लिया इस गिवन एक्सप्रेशन के लिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये अगर आपने वो वीडियोस देखी हुई हैं, राइट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग द डैग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने थ्री एड्रेस कोड के फर्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि हमें ए और बी को ऐड करना है एंड देन उसका रिजल्ट टी वन में स्टोर करना है। सो देखिए हम अपना डैग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले हम a प्लस बी के लिए देखते हैं। तो हमें पता है कि हमारे डैग में जो लीफ नोड्स होते हैं वो हमेशा आइडेंटिफायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो इंटीरियर नोड्स होते हैं वो हमेशा ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये रूल हमेशा अपने ध्यान में रखना है, राइट। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने यहां लिखा a, राइट, एंड देन प्लस ऑपरेटर एंड देन b, राइट। मतलब हमने a और b को ऐड कराए और जो इनका रिजल्ट होगा जो हम यहां पर t1 आइडेंटिफायर में स्टोर कर रहे हैं वो इस नोड पर स्टोर हो जाएगा, राइट। सो हम यहां लिख देते हैं t1 बिकॉज यहां हमने t1 लिखा हुआ है, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें T1 को ऐड करना है C के साथ बिकॉज जो T1 है वो इस नोड पर स्टोर है, राइट। सो हम A प्लस B को हमें दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम हमारे पास उसका रिजल्ट ऑलरेडी इस नोड पर स्टोर है तो हम इसे डायरेक्टली C के साथ ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। सो हमने यहाँ लिखा प्लस एंड देन C,
सो जो T1 और C का रिजल्ट आएगा ऐड करके वो इस नोड पर स्टोर हो जाएगा एंड जिसे हमने T2 आइडेंटिफायर का नाम दिया है, सो हम यहाँ लिख देते हैं T2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड देन हमें T1 और T2 को मल्टीप्लाई करना है एंड उसका रिजल्ट T3 में स्टोर करना है। सो T1 हमारे पास ये है एंड T2 हमारे पास ये है, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हो गया एंड देन हमने ऐसे कर दिया एंड देन जो रिजल्ट होगा वो इस नोड पर स्टोर हो जाएगा जिसे हमने T3 का नाम दिया है, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा और यही हमारा डैग हो गया इस गिवन एक्सप्रेशन के लिए, राइट। अब अगर आप चाहें तो अपने इस डैग को और ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज ये जो डैग है ये हमारे नेम्ड आइडेंटिफायर्स के अकॉर्डिंग है। यहाँ हमने T1, T2, T3 लिखा है, बट ये हमारे खुद के आइडेंटिफायर्स हैं जो हमने खुद की नेम किए हैं। सो अगर हमें और ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में अपने डैग को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये हो गया हमारा स्टार एंड देन प्लस एंड देन प्लस एंड देन दिस ए एंड देन दिस बी, राइट, एंड देन दिस सी एंड देन दिस। सो ये हमारी एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन है डैग की, राइट। सो ये हमारा डैग हो गया। सो अगर आप अब इस डैग को ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री ही है एंड यहाँ पर हर नोड की एक यूनिक वैल्यू है। यहाँ पर कोई भी नोड ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू सेम हो किसी और नोड के जैसे। सो दिस इज अवर डैग एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी हमारा एक्सप्रेशन जो है वो दोबारा कैलकुलेट नहीं किया है हमने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमने ए और बी का ऐड करके जो रिजल्ट ऑब्टेन किया था, जब हमें बाद में ज़रूरत थी उस रिजल्ट की, जब हमें सी के साथ ऐड करना था उस रिजल्ट को, तो हमने इसी रिजल्ट को यूज़ करा है बिकॉज उसका रिजल्ट इस नोड पे स्टोर था और हमने दोबारा से उस रिजल्ट का कॉम्पिटिशन नहीं किया है। सो दिस इज हाउ डैग हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग द कॉमन सब एक्सप्रेशंस एंड एलिमिनेटिंग द रिकॉम्पिटिशन ऑफ those expressions, right? So अब हम देखते हैं। So this is the explanation that I have written for you. It says from the constructed DAG we observe that the common sub expression a plus b is translated into a single node in the DAG. The computation is carried out only once and stored in the identifier T1 and then reused later. This illustrates how the DAG construction scheme identifies the common sub-expression and helps in eliminating its recomputation later. I hope आपको ये explanation clear हो गया होगा। So अगर आपसे ये question पूछा जाता है कि how the construction of DAG helps in identifying the common sub-expression and eliminating its recomputation later, तो आपको ऐसे ही explain करना होगा। आप जो हमने इलस्ट्रेशन अभी कवर किया आप उसे प्रेजेंट कर सकते हैं एंड देन इस एक्सप्लेनेशन को लिख सकते हैं, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट अस लुक एट अवर प्रॉब्लम नंबर 2। सो दिस इज अवर प्रॉब्लम 2। हमसे कहा गया है कंस्ट्रक्ट डैग फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। हमें ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें इसके लिए डैग कंस्ट्रक्ट करना है। इस प्रॉब्लम के थ्रू आप डैग के नेचर को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो हम डैग कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा बिकॉज ये बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है और जो हमने इससे पहले प्रॉब्लम 1 में एक्सप्रेशन लिया था वो भी बहुत सिंपल था, तो हमें उसके लिए 3 एड्रेस कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली डैग को जनरेट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग द 3 एड्रेस कोड। सो इस प्रॉब्लम में मैं आपको वही बताऊंगा कि बिना 3 एड्रेस कोड के भी हम जनरेट कर सकते हैं डैग। तो देखिए कैसे।
सो सबसे पहले हम अपने गिवन एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं. हम देख सकते हैं कि ये वाले जो पैरेंथेसिस हैं ये तो सबसे आउटर वाले हैं, राइट. एंड अंदर पैरेंथेसिस ये वाला एक है उसके अंदर एंड देन दिस वन. तो सबसे पहले हमारी ये वाली एंटिटी सॉल्व होगी एंड देन उसके बाद ये एंटिटी सॉल्व होगी एंड देन फिर हम दोनों को ऐड करेंगे, राइट. सो सबसे पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. जब हम इस चीज़ को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें इस अंदर वाले पैरेंथेसिस को सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन इस वाले पैरेंथेसिस को सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन दोनों को ऐड करके इस ये वाला पैरेंथेसिस आपका सॉल्व होगा, राइट. सिमिलरली फॉर दिस वन. तो हम इस वाले पैरेंथेसिस से स्टार्ट करेंगे, राइट. सो सबसे पहले हमें इस वाले पैरेंथेसिस को सॉल्व करना पड़ेगा, ये सबसे अंदर वाला a प्लस ए. तो हम इसके लिए लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं a एंड देन प्लस एंड देन दिस a, राइट. एंड देन अब हमें ये वाला पैरेंथेसिस सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन फिर हमें इस वाले के साथ इसे ऐड करना पड़ेगा, राइट. तो इसे सॉल्व करने का मतलब है a और a को ऐड करना. तो हम जब अपना डैग कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा नोड ऑलरेडी प्रेजेंट है जिस पर a प्लस a का जो रिजल्ट हो वो स्टोर्ड हो. तो यस, हम देख सकते हैं कि ये वाला नोड जो है इस पर a और a प्लस a का रिजल्ट ही स्टोर्ड है. सो हम एक नया नोड क्रिएट नहीं करेंगे एंड हम इसी को यूज करेंगे. आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये बात. सो मतलब हमारे पास अब ये वाला पैरेंथेसिस का रिजल्ट भी है एंड ये वाले पैरेंथेसिस का रिजल्ट भी है, राइट. एंड देन अब हम इन दोनों को सिंपली ऐड कर सकते हैं, राइट. सो आप देखिए हम इन्हें इस तरीके से ऐड कर सकते हैं. सो दिस इज प्लस एंड देन अगेन दिस, राइट. सो ए प्लस ए यानी कि दोनों जो इसके आइडेंटिफायर्स हैं वो यहीं पे पॉइंट कर रहे हैं बिकॉज हमें a प्लस a के रिजल्ट को ही दो बार ऐड करना है एंड जो ये वाला नोड है आपका वो इस पूरे को पॉइंट कर रहा है, मतलब इस पूरे का रिजल्ट स्टोर कर रखा है उसने, राइट. आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये बात. एंड देन हमें इस पूरी एंटिटी को ऐड करना है इसके साथ. क्या हमारे पास इस पूरी एंटिटी का रिजल्ट है? अगर हम चेक करें तो यस, हमारे पास इस नोड के ऊपर इस पूरी एंटिटी का रिजल्ट ऑलरेडी स्टोर्ड है, राइट. सो सिंपली हमें इसके साथ ही इसको खुद को ऐड करना है. सो अगेन इट इज वेरी सिंपल, द सेम वे हमने यहां पर एक प्लस लिखा एंड देन फिर इसे ही पॉइंट करवा दिया, राइट. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. सो अब इस नोड पर आपके इस पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो स्टोर्ड होगा, राइट. आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये बात. एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड डैग, राइट. नाउ लेट अस लुक एट अवर प्रॉब्लम नंबर 3. सो दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर 3 एंड वी हैव बीन सेट कंस्ट्रक्ट द डैग फॉर द फॉलोइंग ब्लॉक. हमें ये एक बेसिक ब्लॉक दे रखा है एंड हमें इसके लिए डैग कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है, राइट. मैंने आपको बताया था कि जो हमारी डैग की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक्स में. जब भी हमें किसी भी बेसिक ब्लॉक का ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करना होता है तो हम उसके लिए डैग ड्रॉ करते हैं एंड देन उस डैग की हेल्प से हम कॉमन सब एक्सप्रेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड देन उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं. तो हम इस प्रॉब्लम में यही समझेंगे कि किसी भी गिवन बेसिक ब्लॉक के लिए हमें डैग किस तरीके से ड्रॉ करना है. सो बहुत सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हमें इस गिवन 3 एड्रेस कोड को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करना है एंड देन उसके लिए करस्पॉन्डिंग डैग को ड्रॉ करना है. बट आपको जो हमने रूल्स पढ़े थे वो ध्यान रखने होंगे अपने ध्यान में, राइट. सो द फर्स्ट रूल वॉज कि जो हमारे इंटीरियर नोड्स होते हैं वो ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो हमारे लीफ नोड्स होते हैं वो आइडेंटिफायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं.
एंड द रूल टू वॉज कि हम नया नोड तब तक क्रिएट नहीं करेंगे, मतलब हम नया नोड तभी क्रिएट करेंगे जब वैसा नोड हमारे डैग में ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करता हो, राइट? एंड द रूल थ्री वॉज कि जो असाइनमेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू वाई इस फॉर्म के, वो भी हम तभी परफॉर्म करेंगे जब उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो. एंड बस आपको ये रूल्स ध्यान रखने हैं एंड देन आपका डैग आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? सो हम स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है ए इक्वल्स टू बी स्टार सी, राइट? सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो स्टेप वन में हम अपना परफॉर्म करते हैं. सो ये हमने लिखा बी, राइट? एंड देन दिस स्टार एंड देन दिस सी, एंड जो बी स्टार सी का रिजल्ट है वो ए पर स्टोर्ड है, राइट? आई होप आपको समझ आ गया होगा. देन अवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डी इक्वल्स टू बी, मतलब ये जो हमारा एक कोई नया आइडेंटिफायर है डी, जिसे हमने बी की वैल्यू असाइन करी है, राइट? सो जो हमारा बी है वो इस नोड पर स्टोर्ड है. सो हम अपने स्टेप टू में यहीं पर डी लिख देंगे इस तरीके से. सो हम लिखते हैं स्टार बी एंड दिस सी, एंड ये हमारा ए यहां पर था, एंड देन हमारा सेकेंड स्टेटमेंट डी इक्वल टू बी था. सो हम यहां पर डी लिख देंगे बिकॉज जो हमारा नया आइडेंटिफायर डी है, जो उसकी वैल्यू है वो बी के बराबर है, एंड बी की वैल्यू इस नोड पर स्टोर्ड है. सो हमने इस तरीके से लिख दिया, राइट? नाउ अवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ई इक्वल्स टू डी स्टार सी, राइट? सो हमें हमारे पास डी ये है एंड सी ये है, एंड अब हमें डी स्टार सी परफॉर्म करना है, मतलब यही परफॉर्म करना है. ये रहा हमारा स्टार डी स्टार सी, एंड देन उसका जो रिजल्ट है वो हमें एक नए आइडेंटिफायर ई में स्टोर कराना है, राइट? सो दिस इज ए एंड दिस इज सी डी कॉमा बी एंड दिस इज ई, राइट? आई होप आपको समझ आया होगा. एंड मैं आपको बताना चाहूँगा यहीं पर एक बात कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा E इक्वल्स टू डी स्टार सी, ये बिल्कुल अननेसेसरी का स्टेटमेंट है, राइट? इस स्टेटमेंट की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी. आप समझ सकते हैं कि ये क्यों है अननेसेसरी स्टेटमेंट, बिकॉज हमने यहाँ पर डी स्टार सी परफॉर्म करा है, मतलब हमने डी और सी का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करा है, या अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हमने बी और सी का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करा है, राइट? बिकॉज डी और बी की वैल्यू बराबर है, बट हम ये मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं और उसका रिजल्ट हम आइडेंटिफायर ए में स्टोर करा चुके हैं. सो हमें इस स्टेटमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, एंड हम चाहते तो हम डायरेक्टली जो हमारा आइडेंटिफायर ए है वो यूज़ कर सकते थे, और ए को और इस आइडेंटिफायर ई को इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, राइट? सो नाउ लेट अस लुक एट अवर स्टेटमेंट नंबर 4 विच सेज बी इक्वल्स टू ई. अब हमने क्या करा है, अब हमने बी को ई की वैल्यू असाइन कर दी है, यानी कि अब ये जो बी है ये यहाँ ना होके यहाँ होगा, बिकॉज ई की वैल्यू यहाँ स्टोर्ड है और हमने बी को ई के बराबर कर दिया है. सो हम लिखेंगे स्टार ए कॉमा ई कॉमा बी एंड देन डी एंड देन सी. आई होप आपको ये बात समझ आई होगी. सो आप देख सकते हैं कि ये जो ये वाला स्टेटमेंट है हमारा बी इक्वल्स टू ई, ये भी अननेसेसरी स्टेटमेंट है. ये एक्चुअली डेड कोड है, बिकॉज हमने जो हमारा स्टेटमेंट है हमारा थर्ड स्टेटमेंट ई इक्वल्स टू डी स्टार सी, अगर हम उसे एलिमिनेट करते हैं अपने ब्लॉक को ऑप्टिमाइज करने के लिए, देन उसके बाद जो स्टेटमेंट है फोर्थ,
वो इसका मतलब ये है कि हम बी को बी की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, मतलब उसमें डी स्टार सी स्टोर करा रहे हैं, मतलब डी स्टार सी हम बी में स्टोर करा रहे हैं, बट ये वैल्यू तो ऑलरेडी ए में स्टोर्ड है ही, तो हम बी इक्वल्स टू ई को भी एलिमिनेट कर सकते हैं अपने ब्लॉक को ऑप्टिमाइज करने के लिए, राइट? अब हम अपना फिफ्थ स्टेटमेंट देखते हैं। हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट है एफ इक्वल्स टू बी प्लस सी। तो फिफ्थ स्टेप के करस्पॉन्डिंग हम अपना डैग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, स्टार एंड देन ए ई बी डी एंड दिस वॉज सी। ये तो हमारा फोर्थ स्टेप वाला ही है। एंड देन अब हमें बी और सी को ऐड करके जो उनका रिजल्ट है वो एफ में स्टोर करना है। सो बी हमारे पास ये है एंड सी हमारे पास ये है, तो हमें इन दोनों को ऐड करना है। सो हमने ऐसे करा प्लस एंड देन दिस। सो अब जो इस नोड पर स्टोर्ड होगा वो बी और सी का एडिशन करके जो रिजल्ट आएगा वो स्टोर्ड होगा, जिसे हमने नाम दिया है एफ, राइट? नाउ लेट अस सी अवर स्टेटमेंट नंबर 6 विच सेज जी इक्वल्स टू एफ प्लस डी। एफ और डी को ऐड करना है अब हमें। एफ ये है हमारा, डी ये है, राइट? सो इसके करस्पॉन्डिंग अपना डैग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, स्टार एंड दिस इज टी एंड दिस इज सी ए ई बी, राइट? एंड दिस वॉज प्लस एफ एंड दिस, एंड देन अब हमें क्या करना है, एफ और डी को ऐड करना है, दैट मीन्स एफ एंड डी को ऐड करना है। सो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, प्लस दिस एंड जो उसका रिजल्ट है वो किसी आइडेंटिफायर जी में स्टोर कराना है। सो दिस इज अवर फाइनल टैग फॉर द गिवन 3 एड्रेस कोड और फॉर द गिवन ब्लॉक। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये बात, बट ये जो डैग है ये हमारे करस्पॉन्डिंग जो ऑप्टिमाइज्ड बेसिक ब्लॉक है उसके करस्पॉन्डिंग नहीं है। अब हम अपने इस बेसिक ब्लॉक को जो भी हमने कंक्लूजन्स निकाले हैं कॉमन सब एक्सप्रेशंस के, अब हम उन्हें अप्लाई कर सकते हैं और कॉमन सब एक्सप्रेशंस को एलिमिनेट करके अपना ऑप्टिमाइज्ड जो बेसिक ब्लॉक है उसे ऑप्टेन कर सकते हैं, राइट? बट दिस इज द डैग corresponding to the given basic block. I hope आपको clear हो गया होगा। This is our problem number 4 and we have been said optimize the block given in problem 3. So यहाँ पर हम optimize करेंगे block को जो हमने problem 3 में देखा है, right? So step 1 would be first construct the DAG for the given block. हमने DAG already construct कर चुके हैं अपना problem 3 में। So now we perform step 2. Now the optimized code can be generated by traversing the DAG. So हमने अपना जब DAG को traverse किया था तो मैंने आपको explain किया था कि common जो sub expressions हैं वो कौन से हैं, right? So the first point was the common sub expression E equals to D star C, which was actually B star C because D और B की value बराबर थी, तो हम उसे eliminate कर सकते हैं, right? And the dead code b equals to e can be eliminated, right? So the optimized basic block after this would be this. So this is the optimized basic block, right? So hamara first statement same hai, a equals to b star c, and second statement bhi same hai, d equals to b, and third statement ko humne skip kar diya hai, humne chhod diya use, बिकॉज वो एक्चुअली बी स्टार सी की ही कैलकुलेशन थी जो अननेसेसरीली दोबारा परफॉर्म कर रखी थी। एंड देन जो फोर्थ स्टेटमेंट में बी इक्वल्स टू ई था, मतलब अब बी के पास जो थी अपडेटेड वैल्यू है बी स्टार सी की, यानी कि अब बी इक्वल्स टू बी स्टार सी है फिफ्थ स्टेटमेंट तक, या अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि बी में एक्चुअली ए की ही वैल्यू स्टोर्ड है। सो हमने फिफ्थ स्टेटमेंट जो था हमारा f इक्वल्स टू b प्लस सी, सो हमने यहाँ लिख दिया f इक्वल्स टू a प्लस सी,
बिकॉज यहाँ पर जो b था उसकी वैल्यू एक्चुअली b नहीं थी, अब b स्टार c हो चुकी थी. राइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा. एंड देन द लास्ट स्टेटमेंट इज अगेन सेम, एंड दिस इज द करस्पॉन्डिंग बेसिक सॉरी डैक. राइट, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये चीज. सो नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर प्रॉब्लम नंबर 5. सो दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर 5 एंड वी हैव बीन सेट कंसिडर द फॉलोइंग बेसिक ब्लॉक, ड्रॉ द डैग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्लॉक एंड आइडेंटिफाई लोकल कॉमन सब एक्सप्रेशंस, एलिमिनेट द कॉमन सब एक्सप्रेशंस एंड रीराइट द बेसिक ब्लॉक. इस प्रॉब्लम को करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी एंड आई होप उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स या प्रॉब्लम नहीं रहेंगे. राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं. ये सबसे पहले तो हमें ये एक बेसिक ब्लॉक दे रखा है. राइट, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं एंड देन साइड बाय साइड हम इसका जो करस्पॉन्डिंग डैग होगा उसे ड्रॉ करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. सो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है S1 इक्वल्स टू 4 star i. सो हम लिखते हैं अपना करस्पॉन्डिंग डैग ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं. सो 4 एंड देन स्टार एंड देन दिस i. राइट, एंड जो ये रिजल्ट है ये हमने S1 आइडेंटिफायर में स्टोर किया है. राइट, नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज S2 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a माइनस 4. राइट, सो सबसे पहले तो 4 हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है इस नोड पर, सो हमें एक नया नोड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. बस हमें एड्रेस ऑफ a माइनस 4 करना है एंड देन उसका रिजल्ट आइडेंटिफायर S2 में स्टोर कराना है. तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ a एंड माइनस 4. राइट, एंड जो उसका रिजल्ट है वो S2 में स्टोर कराना है. सो हमने यहां लिख दिया S2. राइट, नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज S3 equals to S2 of i. सो हमारे पास S2 तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है. राइट, एंड S1 भी हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है. सो हमें S2 of S1 लेना है एंड देन उसका रिजल्ट हमें S3 में स्टोर कराना है. सो हम इस तरीके से लिख सकते हैं equals to square brackets and then this एंड S1 जो कि ये है एंड देन जो उसका रिजल्ट है वो S3 में स्टोर कराना है. सो हमने यहाँ लिख दिया S3. राइट, द फोर्थ स्टेटमेंट इज S4 इज इक्वल टू 4 star i. सो 4 भी है हमारे पास, i भी है एंड हमने इसका स्टार भी कैलकुलेट कर रखा है. सो मतलब ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये यूजलेस स्टेटमेंट है, हमें इसे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. मतलब अगर हम अपना ऑप्टिमाइज्ड बेसिक ब्लॉक लिखेंगे सो उसमें हम ये स्टेटमेंट हम छोड़ देंगे. राइट, बट यहाँ पर फिलहाल के लिए 4 star i हम बिकॉज करस्पॉन्डिंग गिवन बेसिक ब्लॉक के लिए डैग ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से 4 star i का रिजल्ट हमें S4 में स्टोर कराना है. सो हमने यहाँ लिख दिया S4. S1 और S4 की वैल्यू बराबर है तो हम ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल छोड़ सकते हैं. And then the fifth statement is S5 is equal to address of b minus 4. 4 हमारे पास यहाँ पर है, address of b वाला कोई नोड प्रेजेंट नहीं है. सो हम क्रिएट कर लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं address of b एंड हमें address of b में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है एंड देन उसका रिजल्ट किसी आइडेंटिफायर S5 में स्टोर कराना है. राइट, सो हम इस तरीके से करेंगे, ये हमने सब्ट्रैक्शन एंड देन हमने S4 पर मैच कर दिया ये एंड देन जो उसका रिजल्ट है वो किसी आइडेंटिफायर S5 में स्टोर करा लिया. राइट, एंड देन हमें परफॉर्म करना है S5 ऑफ
S4 और उसे स्टोर कराना है S6 में. सो S4 हमारा ये रहा, S5 हमारा ये रहा, तो हम परफॉर्म कर सकते हैं इस तरीके से. अभी हमने देखा था ये पहले भी इस तरीके का. सो हमने इसे मैच कर दिया यहाँ पर एंड देन जो उसका रिजल्ट है वो किसी आइडेंटिफायर S6 में स्टोर करा लिया. राइट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. एंड देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज S6 इक्वल्स टू S5 ऑफ S4. ओके, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, अभी हमने यही वाला करा है. एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज S7 इज इक्वल टू S3 इंटू S6. सो हमें S6 और S3 को मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसका रिजल्ट किसी आइडेंटिफायर S7 में स्टोर कराना है. सो इसे हमने मल्टीप्लाई करा, राइट, एंड देन उसका रिजल्ट किसी आइडेंटिफायर S7 में स्टोर कराया. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. एंड देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज S8 इज इक्वल टू प्रॉड प्लस S7. प्रॉड नाम का कोई भी हमारे पास नोड नहीं है, सो हम क्रिएट कर लेते हैं नया नोड. ये हमने नया नोड क्रिएट कर लिया एंड देन हमें उसे S7 के साथ ऐड करना है और उसका जो रिजल्ट है वो S8 में स्टोर कराना है. सो प्लस S7 और उसे S8 में स्टोर करा लिया. राइट, द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज prod is equal to S8. सो prod is equal to S8 यानी कि यही वाली नोड है. अब आप देख सकते हैं कि दोबारा जो ये वाला स्टेटमेंट है ये भी यूजलेस है, बिकॉज अगर prod नाम का नया वेरिएबल क्रिएट करके उसमें S8 स्टोर कराया है सो हम डायरेक्टली prod में ही लिख सकते थे ना. राइट, सो दिस इज यूजलेस. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज S9 इक्वल्स टू i+1. सो i हमारे पास ये रहा, अब हमें उसमें 1 ऐड करना है. सो हमने यहाँ लिखा प्लस एंड देन उसमें हमने 1 ऐड करा और उसका रिजल्ट S9 में स्टोर कराया. राइट, एंड देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज i इक्वल्स टू S9. दैट मीन्स हमें यहाँ पर i लिखना है. सो ये वाला स्टेटमेंट अगेन यूजलेस है बिकॉज S9 हमें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्टली लिख सकते थे i=i+1. बिकॉज हमने पहले क्या करा है, हमने i+1 का वैल्यू S9 में स्टोर कराई है एंड देन S9 की वैल्यू i को असाइन करी है. तो इससे अच्छा था कि i+1 की वैल्यू को हम डायरेक्टली i को ही असाइन कर देते. राइट, सो ये सारे मॉडिफिकेशन हम परफॉर्म करेंगे जब हम अपना ऑप्टिमाइज्ड बेसिक ब्लॉक लिखेंगे. राइट, एंड द लास्ट स्टेटमेंट सेज इफ आई लेस देन इक्वल टू 20 गो टू L10. सो आई हमारा यहां पर है, सो अब हम लिखते हैं लेस देन और इक्वल टू, ये ऑपरेटर हो गया हमारा, एंड देन 20, अगर ये ट्रू है तो देन गो टू L10. राइट, सो दिस इज अवर करस्पॉन्डिंग डैग फॉर द गिवन बेसिक ब्लॉक. आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये बात. राइट, आपको समझ आ गया होगा कि ये डैग हमने किस तरीके से ड्रॉ करा है. राइट, अब हम इसे ऑप्टिमाइज करते हैं. राइट, सो वी हैव इन दिस कोड फ्रैगमेंट 4 *i इज अ कॉमन सब एक्सप्रेशन एंड हेंस वी कैन एलिमिनेट S4 बिकॉज S1 इज इक्वल टू S4. राइट, ये हमारे डैग में बिल्कुल क्लियर है कि जो 4 *i था हमारा वो कॉमन सब एक्सप्रेशन था. इसे हमने दो दो बार कैलकुलेट करा, एक बार S1 में स्टोर कराया, एक बार S4 में स्टोर कराया. सो इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी दोबारा कैलकुलेट करके S4 में स्टोर कराने की, हम डायरेक्टली S1 को ही यूज कर सकते थे. सो इसीलिए हम S4 को अब एलिमिनेट कर रहे हैं अपने ऑप्टिमाइज बेसिक ब्लॉक के लिए. सो दिस इज द सेम पॉइंट. एंड देन वी हैव हमारे पास ये दो स्टेटमेंट्स थे हमारे गिवन 3 एड्रेस कोड में, S8 इज इक्वल टू prod प्लस S7 एंड देन prod इज इक्वल टू S8. या हमने क्या करा, prod प्लस S7 किया देन उसका रिजल्ट S8 में स्टोर कराया एंड देन S8 को हमने prod को असाइन किया. सो दिस इज यूजलेस.
हम डायरेक्टली प्रॉड प्लस S7 का रिजल्ट प्रॉड में ही असाइन करा सकते हैं. सो हमने लिख दिया कि दीज टू स्टेटमेंट्स कैन बी ऑप्टिमाइज्ड एज प्रॉड इज इक्वल टू प्रॉड प्लस S7 एंड सिमिलरली दिस वन. हमने I+1 का रिजल्ट स्टोर कराया S9 में एंड देन S9 को असाइन किया I को. सो डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I+1, राइट. सो हमारा यहाँ से S8 हट जाएगा, S9 हट जाएगा एंड यहाँ से S4 हट गया. सो आफ्टर एलिमिनेटिंग S4, S8 एंड S9 वी गेट दिस ऑप्टिमाइज बेसिक ब्लॉक. सो यहाँ आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट. ये हमारा ऑप्टिमाइज बेसिक ब्लॉक है. यहाँ से हमने अपना जो भी अननेसेसरी चीज़ें थी वो सारी हटा दी हैं, राइट. सो हमने देखा कि डैग कितना यूज़फुल है और डैग को हम यूज़ करके अपने कॉमन सब एक्सप्रेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड देन उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट. आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये चीज़, राइट. एंड ये वाले स्टेटमेंट में S6 इज इक्वल टू S5 ऑफ S1 लिखा हुआ है. यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर S4 मत लिख देना क्योंकि S4 तो हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं. एंड ये वाले जो स्टेटमेंट्स थे, ये वाला और ये वाला, ये रिप्लेसमेंट के बाद आ चुके हैं. सो ये हमारा ऑप्टिमाइज्ड बेसिक ब्लॉक बन चुका है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट. एंड येस, डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब योर सेल्फ फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट्स. एंड अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी रह गई हो स्टिल, सो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.